एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति, बेयर फेस हूँ, स्किन केयर वीडियो है आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी का बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि है समर स्किन केयर रूटीन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में मेरा समर स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग वाला शेयर करूंगी एंड मैं एक दो फेस पैक्स भी और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि इस समर में आपको फॉलो करनी है अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। मैंने अभी फेस को वॉश किया है, इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं लगाया है। कौन सा फेस वॉश यूज किया वो भी बताती हूँ आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में। इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं सारे प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फेस वॉश करके आई हूँ मैं, मुझे मेरा फेस बहुत ड्राई लग रहा है। लेट मी टेल यू, मेरा स्किन जो है वो ऑयली है। बट अभी ये जो मार्च के बाद अप्रैल मार्च और वाला जो सीजन जो टाइम है ना, इसमें मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है एंड मुझे कमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं कि दी हमारी स्किन ऑयली थी बट अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग गई है। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर से जब वेदर चेंज होता है ना तो हमें हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट भी चेंज करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। हमें खुद को समझना चाहिए कि हमारा स्किन अभी कैसा बिहेव कर रही है तो अभी इसको हमें कैसा प्रोडक्ट देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स थोड़े से चेंज करे हैं मतलब इस वेदर के अकॉर्डिंग, तो वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, मैंने फेस वॉश किया है तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर ओरिएंटल बॉटनिक का ये फोमिंग फेस वॉश, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, अगर आप देखेंगे तो एकदम थोड़ा सा बचा है। सो ये मैंने यूज़ किया है। इसमें है टी ट्री, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि समर्स में टी ट्री वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है, टी ट्री ऑयल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करना, बिकॉज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है टी ट्री में। और समर्स में क्या होता है, पसीने स्वेटिंग की वजह से हमारे जो पोर्स है ना वो क्लॉग हो जाते हैं। पोर्स जब क्लॉग होते हैं तो ब्रेकआउट्स होते हैं, तो आपके पोर्स क्लॉग ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो स्किन पे एंड स्वेटिंग कम से कम आए, इन सारी चीज़ों के लिए टी ट्री वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करना अच्छी बात है। तो मैं ये टी ट्री का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये नहीं यूज़ करना क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये 600 का है ये फेस वॉश, ये आपको नहीं यूज़ करना तो आप ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं एंड गुड वाइब्स का टी ट्री फेस वॉश भी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। मैं एक्चुअली इसको फिनिश करके ये ग्रीन टी वाला ही यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज मैंने लास्ट समर्स में भी ये ग्रीन टी वाला ही यूज़ किया था। तो अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड फेस वॉश कर सकते हैं। फेस वॉश कर लिया है, फेस अभी बिल्कुल ड्राई सा हो रहा है क्योंकि मुझे फेस वॉश करे को ऑलमोस्ट 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं अपने फेस पर स्प्रे करूंगी फेस टोनर या फिर फेस मिस्ट भी आप बोल सकते हैं। वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी सूदिंग। मैं कुकुम्बर वाला टोनर लगा रही हूँ। अगेन कुकुम्बर हम सबको पता है स्किन को कितनी ज़्यादा सूदिंग देता है और समर में सूदिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि सनबर्न, सन टैन सारी चीज़ें होती हैं गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से जब हम फेस बार बार वाइप करते हैं तो चेहरे पे इरिटेशन भी होती है, तो उस चीज़ को काम डाउन करने के लिए जो कुकुम्बर है वो बहुत अच्छा था। और इस पर्टिकुलर टोनर की मैं खासियत बताऊँ, इसकी खुशबू भी ऐसा लग रहा है मैंने जो कुकुम्बर है ना उसको ही पीस करके और उसका रस अपने फेस पर लगा रही हूँ। सो ये भी गुड वाइब्स का कुकुम्बर टोनर है, बहुत अच्छा है। टोनर का फॉर्मूला ऐसा होता है, बहुत थिन होता है जो कि हमारे स्किन के इंटरनल लेयर्स तक जाता है, तो इसलिए फेस वॉश करने के इमीडिएटली बाद आप टोनर लगाएं। देखिए, टोनर लगाने के बाद मेरे स्किन का टेक्स्चर डिफरेंट हो गया है, थोड़ा सा इंस्टेंट ग्लो जो है वो विजिबल है फेस पे। अब बारी आती है सीरम की। सो सीरम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, जो भी है, यू कैन यूज़ दिस सीरम। और मेकअप के पहले भी अपने मेकअप को ड्यूई बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मेकअप के पहले भी इसको यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस सीरम की मैं आपको खासियत बता दूँ, ये जो पर्टिकुलर सीरम है ये आपके स्किन को ग्लो देता है एंड फाइन लाइन से भी छुटकारा पाने के लिए ये सीरम बहुत अच्छा है। हल्का सा ऑयल बेस्ड, बिल्कुल हल्का सा ऑयल बेस्ड है, बट एज आई टोल्ड यू कि अभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रही है तो मेरी स्किन के लिए फिलहाल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। यस, सो ये लगा लिया मैंने सीरम। अभी देखिए इतने में ही मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। अब बारी आती है अंडर आई क्रीम की। मैं मॉर्निंग में भी अंडर आई सीरम या अंडर आई ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो कि है पवित्रा का, मेरा वन ऑफ फेवरेट ब्रांड्स है पवित्रा। और कॉफ़ी है इस अंडर आई ऑयल में या फिर सीरम में जो कि अंडर आईज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, डार्क सर्कल्स को हटाती है, तो
सीरम के बाद आपने लगाना है, अगर आप अंडर आई क्रीम या अंडर आई ऑयल लगाते हैं तो वो लगाना है। फिर बारी आती है मॉइस्चराइजर की, बट मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर को स्किप करूंगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, कम्प्लीटली मुझे हाइड्रेटेड लग रही है, बहुत ही हैप्पी हैप्पी सी लग रही है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे अभी किसी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है अपने स्किन के लिए, लेकिन सनस्क्रीन मस्ट है। तो यहाँ पर मैं ये गुड वाइब्स का जेल क्रीम सनस्क्रीन जो कि 30+ SPF है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, इसमें पैराबेन और एनिमल टेस्टिंग कुछ भी नहीं है। देखिए, भले ही आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जो सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं ना वो जेल बेस्ड हो, एंड स्पेशली इन समर्स। सो ये लिया मैंने मेरा जेल बेस्ड सनस्क्रीन और इसे बिल्कुल अच्छे से मैं अपने फेस पर लगा ले रही हूँ। आपने देखा था मैंने कितना प्रोडक्ट लिया था, बट ये जेल बेस्ड था तो ये फेस पर कहीं गायब हो गया है एंड बिल्कुल नॉन स्टिकी, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो अगर आप एक अच्छा SPF ढूंढ रहे हैं, सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है। तो इतने जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में शामिल करके रखे हैं, एंड इनमें से आधे से ज़्यादा मैं नाइट में भी यूज़ यही करती हूँ। एक आध बस क्रीम्स हैं जो मैं नाइट में अलग से यूज़ करती हूँ, वो मैं आगे कभी आपको वीडियो में बताऊँगी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल चीज़ें जो कि हमें समर्स में ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सिर्फ मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप ये जो फेस वॉशेज होते हैं ना मार्केट से खरीदे हुए, ऑफ कोर्स इनमें केमिकल होता है, ज़रूरी है ये हमारे फेस के लिए, बिकॉज कंप्लीट इम्प्यूरिटी स्किन से निकालने के लिए कोई भी होम रेमेडी वर्क नहीं करती है, लेकिन इस तरीके के फेस वॉश बहुत अच्छे से वर्क करते हैं कंप्लीट इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए। बट वंस इन अ वाइल हमें होम रेमेडीज भी यूज़ करनी चाहिए अपने स्किन पर एज फेस क्लिनजर। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आपके घर में मॉर्निंग में मिल्क आता है ना, एक चम्मच मिल्क निकाल लीजिए, हफ्ते में 2 से 3 बार बस एक चम्मच मिल्क निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए, एंड जब आपको टाइम मिल रहा है मॉर्निंग में, भले ही अर्ली मॉर्निंग टाइम मिल रहा है, मिड मॉर्निंग टाइम मिल रहा है, वो जो आपने थोड़ा सा दूध रखा है बचा करके, कच्चा दूध लेना है आपको, उसको आप अपने फेस पर अच्छे से लगाएं, क्लीन फेस पर 5 to 10 minutes के लिए छोड़ दें और फिर उसे पानी से साफ कर लें। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन होगी, आपका जो रंगत है चेहरे की वो निखरेगी, फेयरनेस आएगी, डार्क स्पॉट्स जो भी आपके चेहरे पर है, झाइयाँ, ये सब धीरे धीरे ग्रेजुअली, मैं ये नहीं बोल रही चुटकी में चला जाएगा, ग्रेजुअली जाएगा अगर आप ये जो कच्चे दूध वाली चीज़ है ना ये फॉलो करते हैं। तो इसमें कुछ मत मिलाइए, कोई नींबू नहीं, नींबू मिलाएंगे तो फड़े आएगा, कोई दूसरी चीज़ मिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चम्मच आपको कच्चा दूध निकालना है दूध को बॉईल करने से पहले, और उसे अपने चेहरे पर, मैं डेली भी नहीं बोल रही, डेली करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट डेली मत करो, हफ्ते में 2 से 3 बार कर लो, आपको डिफरेंस दिखेगा अपने स्किन में। इवन आप अपने टीनेजर बच्चों के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं, एंड टीनेजर ही नहीं, 5+ अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी आप फेस पर मिल्क लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। एंड स्पेशली समर्स में, मैं इसलिए बोल रही हूँ, समर्स में ह्यूमिडिटी की वजह से ना स्किन की बैंड बच जाती है, कभी बहुत ड्राई हो जाती है एंड कभी एकदम चिपचिपी सी होने लगती है, तो कच्चा दूध आप ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो पोर्स है वो क्लॉग्ड होने लगते हैं, तो इस केस में नीम और तुलसी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो समर्स में नीम तुलसी का फेस पैक ज़रूर लगाएं, हफ्ते में 2 बार, इससे क्या है आपका जो चेहरा है वो ब्रेकआउट से बचेगा। मैं यूज़ करती हूँ ये जो गुडनेस का कॉम्बो वाला, मतलब दोनों मिक्स है इसमें, तुलसी और नीम दोनों मिक्स है इस पर्टिकुलर पाउडर में, तो इसको ही मैं लेती हूँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिलाती हूँ, नहीं तो पानी मिला लेती हूँ प्लेन, एंड फेस पर इसको लगा करके 10 मिनट्स तक रखती हूँ, छोड़ देती हूँ हफ्ते में 2 बार। एंड मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाइट में लगाऊँ इसको, नाइट टाइम रूटीन करने से पहले, क्योंकि तब मेरे पास थोड़ा टाइम होता है कि मैं अपने आप को पैम्पर कर सकती हूँ। सो ये जो नीम तुलसी पाउडर है, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, आपके स्किन को एक्ने पिंपल्स से बचाएगा, सॉफ्ट और सपल बनाता है स्किन को, और इसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं होते, कोई भी स्किन टाइप वाला यूज कर सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा फेस पैक होता है नीम एंड तुलसी का आपके स्किन को ब्रेकआउट फ्री रखने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी मॉइस्चराइजर आपको सूट नहीं हो रहा है, कुछ भी आप लगा रहे हैं तो उससे आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली और चिपचिपा लगने लग रहा है, तो मैंने ये हर साल आप लोगों को गर्मियों में बताया है कि आप फिर मॉइस्चराइजर कुछ टाइम के लिए लगाना बंद करिए, सिर्फ कोई अच्छा टोनर अपने फेस पर स्प्रे करते रहिए, डैब डैब करते रहिए, ताकि जो टोनर है उससे भी आपके स्किन को हाइड्रेशन मिले, आपके स्किन जो है वो हाइड्रेट हो टोनर से भी, और कोई भी एक्स्ट्रा लोडेड मॉइस्चराइजर या क्रीम अपने चेहरे पर लगाने से बचे अगर स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी और ऑयली हो रही है।
तो यहाँ फिनिश हो रहा है मेरा ये समर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल था तो लाइक करना ना भूलें, एंड फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।